DIY ऑर्गेनाइजर जो कि बन जाएंगे बिल्कुल 5-5 मिनट्स में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और मैं बनाती हूँ इस चैनल पे इस तरह के वीडियो जो आपसे और आपकी फैमिली से रिलेटेड होते हैं और हर किसी के घर में ऐसे आइडियाज बिल्कुल यूज होते हैं। तो आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ आइडियाज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, DIY ऑर्गेनाइजर जो हम बनाएंगे बिल्कुल 5-5 मिनट्स में। सो बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो फर्स्ट DIY हम करने वाले हैं इस हैंगर से जो कि बच्चों के कपड़ों के साथ फ्री आता है। जब भी आप बच्चों के कपड़े ऑर्डर करते हैं फर्स्ट क्राई से या किसी भी ब्रांड से, तो इस टाइप के हैंगर्स हमें उसमें मिल जाते हैं। तो मैंने बस एक स्क्रू ड्राइवर ले लिया है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको नहीं देखना है, कुछ भी चीज़ें नहीं ढूंढनी है। बस उसको गर्म कर लीजिए और इसमें कुछ होल कर दीजिए, यानी कि आप इसमें कर दीजिए गड्ढे। तो बस इस तरह से ये एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको इसमें होल करने लेने हैं। उसके बाद जो आपके इयररिंग्स होते हैं ना दोस्तों, उसको आप इसमें ऑर्गेनाइज कीजिए। और ये वाला जो ऑर्गेनाइजर है ये 5 मिनट से भी कम में बिल्कुल बन के रेडी हो गया। तो ये वाला ऑर्गेनाइजर आपको कैसा लगा जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इसमें आप बहुत सारे इयररिंग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो इयररिंग्स आपके इधर उधर पड़े रहते थे वो अब अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और जब भी आप रेडी होंगे तो आपको इस इयररिंग्स को ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। नेक्स्ट आइडिया आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ पुराने कपड़ों से रिलेटेड। तो दोस्तों हर किसी के घर में ये पुराने कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा मैस इकट्ठा भी करते हैं। तो आज एक इंटरेस्टिंग सा आइडिया आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बस ये जो थैले होते हैं ना कपड़े के बैग्स, वो ले लीजिए और ये जो पुराने कपड़े हैं ना गाइज, इनको कर दीजिए इन बैग में ऑर्गेनाइज बहुत ही अच्छे तरीके से। और कभी इन फ्यूचर अगर आप इन पुराने कपड़ों को वापस से यूज़ भी करना चाहेंगे तो ये पुराने कपड़े आपके इधर उधर कहीं भी नहीं जाएंगे, आपको बिल्कुल आपकी आंखों के सामने ये दिखते रहेंगे। तो मैंने इस बैग में इनको कर लिया है ऑर्गेनाइज और इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ये एक बन गया है कुशन। अब हम इसको करने वाले हैं एक अच्छे से कुशन कवर में फिट और उसके बाद इस कुशन कवर को आप सोफे पे रखे इस कुशन को, और आप अपने विंडो पे रखे, कहीं पे भी रखिए, ये आपके सामने रहेगा और ये आपके घर में एज अ कुशन काम आएगा। और जब भी आपको पुराने कपड़े चाहिए होंगे तो आप इसमें से निकाल लेना। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा, इसके लिए भी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट DIY मैं कर रही हूँ इस कुकीज़ कंटेनर से। वैसे तो ये कुकीज़ कंटेनर पहले से ही देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके लिड पे लिखा हुआ है ब्रांड या कंपनी का नाम, तो उसको मुझे हाइड करना है। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक ब्यूटीफुल सा कपड़ा जो कि मेरी पुरानी ही ड्रेस का था। तो मैंने बस लिड के अकॉर्डिंगली उसको कट कर लिया है और बस उसको हम फेविकॉल की हेल्प से इस पर पेस्ट कर देंगे। तो ये जो कंटेनर है ना दोस्तों, बहुत ही प्यारे लगेंगे और जो ब्रांड का नाम था वो भी हाइड जाएगा। और ये सारे ऑर्गेनाइजर 5-5 मिनट में बनके बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा और पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। बस मैंने ले लिया है फेविकॉल, फेविकॉल को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, देन जो आपने राउंड लिड के अकॉर्डिंगली जो कपड़ा कट किया था उसको पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद ये कंटेनर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये किस कंपनी के कुकीज कंटेनर थे या किस ब्रांड के थे, और आपके ये कंटेनर बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएंगे। इसमें आप बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बस ये जो फेविकॉल की हेल्प से हमने इस कपड़े को पेस्ट किया है, उसके बाद जो इसके कॉर्नर है, इसके एजेस है, उस पर हम अच्छे से सीजर से कट कर देंगे और ये DIY कंटेनर बनके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा लग रहे थे दोस्तों, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे कुकीज़ कंटेनर पे। अगर ब्रांड का नाम है उसको हाइड करना है तो ये आइडिया सबसे परफेक्ट है, 5 मिनट्स में बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है।
नेक्स्ट डीआईवाई हम करने वाले हैं इन वाटर बॉटल की, जो कि बच्चों की होती है। तो बच्चे इन वाटर बॉटल को अच्छे से यूज़ कर लेते हैं और इनके लॉक भी ख़राब कर देते हैं, काफ़ी पुरानी हो जाती है, लेकिन इनका जो बेस होता है वो काफ़ी अच्छा मजबूत होता है, बस इनके लॉक ख़राब हो जाते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं। तो ये इनके कलर भी काफ़ी अच्छे हैं ऑलरेडी, कुछ भी करने की इस पर ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, इस पर आप अपनी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने तो 5 मिनट्स के यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट वाला काम किया है। तो बस मैंने ले लिया है जूट रोप और उससे इसके नेक को कर दिया है कवर, और इसके कलर ऑलरेडी बहुत प्यारे हैं, तो मैंने इस पे कुछ भी कलर पेंट नहीं किया है। इन फ्यूचर में भी मुझे लगेगा तो मैं इसे जरूर से दोबारा से और डीआईवाई जरूर करूंगी। तो फिलहाल हमने इस तरह से इसको कवर कर दिया है। उसके बाद जो हम इसके साथ करने वाले हैं वो रिजल्ट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोनों बॉटल्स रेडी हो गई है, और दोस्तों इसको करने में भी मुझे बस 5 मिनट लगे थे। उसके बाद आप इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर लगाइए, कुछ इस तरह के अगर आपके पास आर्टिफिशियल लीव्स रखे हैं तो वो लगाइए, ये आपके घर की सुंदरता में बिल्कुल 4 चांद लगा देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये वाटर बॉटल है। सो ये आइडिया आपको कैसा लगा जरूर मेरे साथ कॉमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इस तरह के आइडियाज और इस तरह के वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए यार, जो रेड बटन है ना उसको बस प्रेस करना है और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर हम बनाने वाले हैं इस डिटर्जेंट के बॉक्स से। तो इस डिटर्जेंट का बॉक्स जो आता है ना दोस्तों 5 या 6 kg का, जब भी हम सर्फ खरीदते हैं, जब भी हम डिटर्जेंट पाउडर खरीदते हैं, तो इस तरह के बॉक्सेस हमें बहुत आसान तरीके से मिल जाते हैं, तो इनको कभी भी नहीं फेंका कीजिए। एक तो ये मजबूत होते हैं बहुत, और इनमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो काफ़ी चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और फालतू के पैसे खर्च करने से भी बच सकते हैं। तो बस इसके साइड्स मैंने कट कर दिए हैं, और इसके चारों साइड्स कट करने के बाद हम इस पे पेस्ट कर देंगे कुछ पेपर, देन उसके बाद एक प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा जिसको आप काफ़ी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ वो तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बस जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ उस तरह से आपको इस बॉक्स को बना देना है, हर तरफ से इसको कट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरे बॉक्स को कट कर लेना है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ वाइट पेपर, जो वाइट शीट आती है ना A4 साइज़ की, वो पेपर मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फेविकोल, तो फेविकोल को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए इस बॉक्स पे, और देन उसके बाद जो वाइट शीट है उसको आप कवर कर दीजिए, और इस पूरे कार्टन बॉक्स को आप इस वाइट शीट से कवर कर दीजिए। उसके बाद आपका ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों मैं इसको बता देती हूँ, इसको बनने में 5 मिनट्स नहीं लगे थे, इसको बनने में मुझे 5 मिनट्स और लगे थे, मतलब टोटल 10 मिनट्स मुझे इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने में लगे थे। तो बस इसको इस तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया है और पूरी तरह से मैं इसे वाइट शीट से कवर कर दूंगी।
तो दोस्तों ये देखिए, ये भी एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट ज़्यादा भी एफर्ट्स नहीं थे किसी भी ऑर्गेनाइज़र में। इसके बेस को मजबूत करने के लिए मैंने एक नीचे भी इसको कार्टन बॉक्स को अच्छे से कवर करके वाइट शीट से और बिछा दिया था। उसके बाद हम इसमें ऑर्गेनाइज़ करेंगे कपड़े, तो बहुत सारे टी शर्ट्स या जीन्स, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह के वीडियोज़ अगर आप लोग देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस मैं इस चैनल पर लाती रहती हूँ, वीक में 2 या 3 वीडियोस में जरूर अपलोड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।